और बाप वहाँ पे काम कर रहा है, इसका अपना कबूतर इसके पास आई है, तो इसने मेरे से नेट मांगा कबूतर पकड़ने के लिए, तो मैं उसके साथ मजाक करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा सारा का सारा नेट टूट चुका है। इसको अभी पता नहीं है कि नेट टूटा हुआ है। क्या हुआ? सही है, देख। चल पकड़ ले कबूतर। वो सामने कबूतर लक्का कबूतर है, बड़ा ही प्यारा है। तो ये वही कबूतर है जो इसने हमारी छत से पकड़ा था। दूसरा है वो कहाँ पे? वो ऊपर बैठा हुआ है। मतलब इसका पेयर बना दिया तूने? वो सामने बैठा हुआ है। कैसे गर्दन ऊपर नीचे किए जा रहा है। चल पकड़ ले जल्दी से। तो फ्लाई करता है ये थोड़ा बहुत? तो फिर ऐसे ही पकड़ लेना था, ऐसे मुझे बुलाया तूने, बस इतनी सी बात थी। वो नहीं, वो बाकी नीचे ले जाना ना सारे। और ये के नीचे ले आया, इधर ले आया पक्का? पक्का इधर, पक्का पक्का। यहाँ पे ये काम करते हैं ना, इसने पहले छत के ऊपर रखा हुआ था, अब ये नीचे ले आया। इधर ही छोड़ दो, इधर ही। ये वाले बेबी निकले हुए साइड पे ना, ये किसके हैं? ये ऊपर, ये ब्लैक, ये नर है। और ये नर है? हाँ, वो मादी ऊपर है, वाइट ऊपर है। दोस्तों ये भी इनकी जगह है, और ये पिजन वाला के नीचे ले आया है, और काफी देर पिजन है वो अभी छत पे हैं, तो अब इनको भी लेके आ रहा है नीचे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। और ये पिजन के बेबी कितने प्यारे हैं यार, मुझे दे दे यार। तू ले जा, तेरे से प्यारे हैं। ले जा सच्ची। चल पकड़ टीटू वो पिजन पकड़। ओ इधर आओ, मजाक कर रहा। ये तो सच्ची चलो सारे ले आ, फिर हम देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? रात को फिर से काफी तेज बारिश आई थी और आंधी भी आई थी, अब थोड़ी हवा कम चल रही है और ठंडी ठंडी धूप भी निकल आई है, तो सर्दियां आ रही है। हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सारे के सारे केज हमारे सर्दियों के मुताबिक बने हुए हैं, इसमें काफी हीट होती है, तो हम अपने पेट्स को इसमें बंद करते हैं, तो काफी इंजॉय करते हैं सर्दियों में। फिलहाल हम अपने ज्यादा पेट्स को इसके में बंद कर रहे हैं और ऊपर कपड़ा दे देते हैं। अभी ज्यादा सर्दियां नहीं आई ना, जब ज्यादा सर्दियां आएंगे ना तो हम इन केजेस में बंद किया करेंगे। एक दो केजेस के डोर भी खराब है, वो भी सही करवा लेंगे। तो अब हम पहले अपने कलरफुल चीज़ को देख लें क्योंकि इनको ज्यादा सर्दी लगती है। कल से हम इनको छोटे केज में बंद किया करेंगे, और ये कपड़ा भी उठा देते हैं और इन मुर्गियों को खोलते हैं। लाजो यार, नोबिता सुजुका को भी मैं इनके साथ बंद करने लग गया हूँ। तो ये रहे हमारे कलरफुल चिक्स। आ जाओ यार बाहर आ जाओ, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है सारे के सारे। कहाँ जा रहे हो यार? ये मैं पानी उठा लूँ क्योंकि इनको सुबह सुबह पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना। अब सर्दियाँ आ रही है ना, काफी तेज धूप निकल आएगी, फिर हम अपने पेट्स को पानी पिलाया करेंगे दिन में एक से दो मरतबा, बस ज्यादा नहीं पिलाना। और हमारे कलरफुल चिक्स को सिर्फ एक मरतबा पिलाना है क्योंकि ये ज्यादा पानी पी लेते हैं और हजम नहीं कर पाते, फिर प्यारे एक्सपायर हो जाते हैं इसी वजह से। दोस्तों हमारे पेट्स को मैंने सिर्फ चारा दिया है, इसमें छली के ना छोटे छोटे टुकड़े थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े शौक से हमारे सारे के सारे पेट्स खाते हैं, सारों ने एक एक उठा लिया है। इस वाली मुर्गी ने भी उठा लिया है, इस वाली मुर्गी ने भी, और हमारी जोधा ने भी उठाया था। जोधा आपका कहाँ गई? जोधा से मिल गया, कोई खींच के ले गया। और हमारे अकबर ने भी उठाया हुआ है, ये चेक करें, कॉर्नर में आ गया खाने के लिए। खा गए? कल से हम जो चारा लेके आएंगे ना उसमें छली के टुकड़े ज्यादा डलवा के लाएंगे क्योंकि हमारे सारे के सारे पेट्स बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों इतने दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, जो हमारे पिजन है ना बिल्कुल उनकी ब्रीडिंग सिफर हो चुकी है, वो ब्रीड नहीं कर रहे, इस केज में रहते हैं, जो भी अंडा देते हैं वो हमारी मुर्गियाँ तोड़ देती हैं, खा जाती हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया हमारा मास्टर केज तो वहाँ पे बन रहा है ना, उसकी पैमाइश लेके गए, अभी तक वापस नहीं आए। इतने सुस्त बंदे हैं यार, कारोबारी कोई भी बंदा होना काफी ढीले होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा दो दिन हमें टाइम दे दो, फिर हम यहाँ पे आके मास्टर केज बना देते हैं। और मैंने पिजन के लिए डिसाइड किया यहाँ पे एक प्यारा सा केज बनाई, ये कॉर्नर हमारी फ्री फिर रही है, काफी गंद वगैरह है, जब केज बनेगा ना साफ सुथरी हो जाएगी। तो हम अपने पिजन के लिए यहाँ पे केज बनाते हैं और प्यारे प्यारे से और पिजन लेके आते हैं, उनकी यहाँ पे हम ब्रीड करवाया करेंगे। अब हम अपने डब को और बटेरों को भी इन पेट के साथ छोड़ देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले। इधर बाहर आ जाओ यार, माशाल्लाह हमारे बटेरे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, दिल करता है बंदा इसको खा जाए, लेकिन खाने नहीं अभी, हमने और बड़ा करना है इनको। ये हमारे फार्मी बटेरे हैं, लोग अक्सर इनको रखते हैं, इनको बड़ा करके ना खा जाते हैं, तो मैं खाऊंगा नहीं लेकिन इनको और बड़ा करेंगे। कहाँ गए यार? अभी तो यहाँ पे थे, ये जल्दी से ना कॉर्नर में छुप जाते हैं। ये रहे, ये रहे, ऊपरली तरफ चले गए, खेल रहे हैं मेरे साथ, फ्लाई नहीं करना ठीक है ना। और ये रही हमारी प्यारी प्यारी सी फिशेस, सारे के सारे बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी मैं यहाँ पे हाथ मारूंगा सारी दौड़ने लग जाएंगी। तेरी खैर, सारी फिशेस में से ना एक हमारी फिश है जो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली, ये जो फिर रही है, बाकी सारी अभी छोटी छोटी नन्नी मुन्नी सी है, और ये तो माशाल्लाह दिन ब दिन काफी बड़ी हुई जा रही है ये वाली। दोस्तों एक पिजन आया और तीन तीन उम्मीदवार हैं उसको पकड़ने के लिए, एक मैं हूँ, एक अरबाब है, और एक लड़का आया दूसरे मोहल्ले से, उसके पास नेट भी है और दो कबूतर भी, मुझे लग रहा हाथ में लेके फिर। कहाँ पे है? नीचे उतर गया इस घर में। हाँ भाई पकड़ना है तूने, ये लेके आए उसको पकड़ने के लिए, क्या बात है, ये भी अच्छा कबूतर है, कट किया मेरे पर इसके। तेरी, ये तो वही कबूतर है यार हमारे वाला है, उस दिन जो मैंने पकड़ा था वो मेरे से छूट गया था, ये वही पिजन है। ओ तेरी खैर यार, हमारे पेट हाउस की तरफ जा रहा है, जा रहा है हमारे पेट हाउस की तरफ, क्या बात है, हमारे पेट हाउस की छत पे लैंड हो गया है,
अब हम इसको पकड़ सकते हैं। आ जाओ नीचे आ जाओ, तेरे ऊपर जाने का फायदा नहीं हुआ, शुक्र है हमारे पेट हाउस में गया है, अब मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद ही रखूंगा। ये भाई का नेट है, भाई कहाँ चला गया है? ये रहा, ये लो यार, उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है जाओ आप अपने घर जाओ। दोस्तों मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैंने दोनों लड़कों को भेज दिया और बाप को भी भेज दिया। उस लड़के को मैंने बहाना लगा के भेजा है कि कहीं कबूतर फ्लाई करी है, लेकिन पिजन हमारी छत के ऊपर बैठा हुआ है पल्ली साइड पे। वहीं हमारे पिजन भी बैठे हुए, उनके साथ मिल जाएगा, जब नीचे पेट हाउस में आएगा ना तो हम इसको पकड़ के पर काट देंगे। दोस्तों अक्सर आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि हमारे पेट हाउस के बाहर काफी सारे नेवले थे, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे 3-4 यहाँ पे होल में थे, तो मैंने उस दिन आपको वीडियो में वहाँ पे भी दिखाए थे, लेकिन अब जहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना वहाँ पे कन्फर्म है, वो सामने कॉर्नर में होल है और उसके अंदर नेवले हैं। तो मैंने और बाप ने प्लान किया है नेवले को पकड़ने का, मैंने आपको पहले बताया था कि हम नेवले को पकड़ेंगे, तो अब हम ट्राई करते हैं। ये हमारे पास बोनलेस चिकन है, तो ये हम होल के बाहर रखेंगे, तो नेवले को चिकन की खुशबू पहुंचेगी तो वो बाहर आएगा उसको खाने के लिए। जब वो बाहर आएगा ना तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं खाली जगह पे लेके जाएंगे, वहां पे उसको घेर लेंगे, जैसे हमने पहले गो पकड़ी थी ना, तो वैसे ही हम नेवले को पकड़ने की ट्राई करते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस होने लगा है, तो ये चिकन लेके जाता हूँ होल के बाहर रखता हूँ, तो मैं आपको उसका होल दिखाता हूँ नेवले का। ओए टीटू यार, टीटू शोर करेगा, इसको पकड़ के रख यार। ये रहा यार होल, यहाँ पे नेवले हैं, ये तो कंफर्म है। कहाँ गया? ये रहा, इस होल में है, तो अभी तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम चिकन रखते हैं, इनको खुशबू जाती है, एक यहाँ पे रख देते हैं, और नेवला बाहर निकलेगा ना इसको खाने के लिए। तो मैं आगे क्या किया? क्या ये घास वगैरह? और ये पहले का पड़ा हुआ है, ये घास पहले का पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पे छुप के बैठूंगा, तूने वहाँ पे, नेवला इसको खाने के लिए बाहर निकलेगा ना तो मैं वहाँ से भाग के आऊँगा और इस तरफ ले जाएंगे या इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे कोई होल नहीं है, छुप नहीं सकेगा, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ट्राई करके। चलो जी मेरे पास चिकन ख़त्म हो गया, यहाँ पे मैंने चिकन फैला दिया है, चलो जाओ यार तुम वहाँ पे कॉर्नर पे चल जाओ, मैं आवाज़ दूंगा फिर भाग के आना, इसको भी साथ ले जा, जा टिटू, और मैं इधर छुप के बैठ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं कब से बैठा हूँ, कोई नेवला वगैरह बाहर आया नहीं, कब से वेट कर रहा हूँ, वो सामने होल है, अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। दोस्तों प्लान के मुताबिक काम हो रहा है, एक नेवला बाहर आया है, ज़्यादा अभी बाहर आया नहीं है, थोड़ा सा आया अभी, मैं उसके पास जा नहीं रहा, ये ना वो डर के अंदर दोबारा चला जाए। तो मैं ये चेक करें यार, नेवला बाहर आ तो गया होल से, प्लान के मुताबिक काम हुआ है, लेकिन आगे नहीं जा रहा यार, थोड़ा सा आगे तो चला जाए। ओ यार होल के अंदर वापस चला गया यार। यार नेवला आया था बाहर, यहीं होल के पास था, मैंने तो नहीं देखा। तूने नहीं देखा? मैंने देखा यार, इधर तक आया था यार, मैंने तो उसको देखा था। इसको साइड पे करके देखते हैं, बाहर ही ना आ जाए कहीं। यार होते भी काफी डेंजरस है, ये कार्ड वगैरह लेते हैं तो होल काफी बड़ा मुझे लग रहा है, इस तरफ जा रहा है होल, है ना? इस तरफ भी है। इस तरफ? इस तरफ। हाँ चला गया यार वापस। दोस्तों हमने काफी वेट किया था, करीबन 20-25 मिनट हो गए हैं इसके पीछे लगे हुए, अब हम चलते हैं यार, है ना? वैसे भी यार ये अब डर ही है, अब ये बाहर नहीं आने वाले। दोस्तों यार प्लान के मुताबिक काम हुआ नहीं है, अब हम वापस अपने पेट हाउस में जाते हैं। यार वो पिजन को पकड़ने की ट्राई कर रहा है नीचे वाले केज में छोड़ने के लिए, हमारा टूटा हुआ नेट है लेकिन उससे पकड़ा नहीं जा रहा, सारा का सारा नेट इसने तोड़ दिया है, एक भी पिजन इससे नहीं पकड़ा गया, वही 3-4 बंदा है इस केज में, वो जो सामने पड़ा हुआ है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।